हरे बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण बोल जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव हरी बोल 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 हरी बोल
की जय। पिताई गौर प्रेमानंद देव। गुरवे गौरचंद्राय गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोतर शत श्री श्रीमद भक्तिवेदाचार्य वृंद। सबके चरण माताएं सबके चरण वधम का यथाजथ प्रणाम स्वीकार। महीना बहुत अच्छा है पुरुषोत्तम मास, और पुरुषोत्तम मास में हम लोग के लिए ये जो सुयोग मिला है वैष्णव के आगमन और दर्शन और कथा श्रवण, तो ये उसमें सोना में सुहाग तो हो गया। लेकिन बाधक कोरोना की है। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ ये कोरोना का करुणा है। क्या है कि एक अनुभव होना चाहिए कि कोरोना एक मेटेरियल वायरस है इसी जगत का। इसी जगत की वायरस के बारे में अभी तक किसको पक्का जानकारी नहीं हुआ ये क्या है। ये केवल फ्लू है कि सचमुच कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरियस वायरस है, किसके अंदर घुसता है तो सही हो जाते हैं, कोई गड़बड़ी हो जाती है चले जाती है। तो अगर इसी जगत का ये वायरस के बारे में जानने के लिए 7 महीना हो गया, सारा वर्ल्ड उसमें लिपट गया, मतलब समझ में नहीं आता है। तो ऐसे इसी जगत का वस्तु, लेकिन स्पिरिचुअल जगत का, इसी जगत का छोटा सा वायरस के बारे में जानकारी के लिए अगर इतना दिन लगता है, तो स्पिरिचुअल जगत की हरिनाम वृंदा देवी वैष्णव गुरुदेव राधा कृष्ण की प्रेम विलास आदि लीला उसके बारे में जानने के लिए कितना दिन चाहिए बताओ, समझ सकते। तो इसलिए कभी कभी हम लोग को कभी कभी समझ में नहीं आता है, हरिनाम में मन नहीं लगता है, भाई टाइम लगता है। इसलिए हमारे गुरुवर्ग भी बोले कि उत्साहमयी घन तरला भीड़ विकल्पा अनेक स्तर जाएगा, और ये फिर भी अपने हिसाब से नहीं होगा, भगवान की वैष्णव की कृपा से वो होती है। क्योंकि दो वस्तु हर समय ध्यान देना चाहिए परमार्थ में, एक होता है तत्संबंधी और एक तत्सहाय सहायक। जैसा पथी में किसको बीमारी हुआ तो उसमें मेडिसिन लेना ये उनका तत्संबंधी, डायरेक्ट मेडिकल बीमारी के साथ वो बीमारी को अच्छा करता है। लेकिन पथ्य, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे समझ में नहीं,
पथ्य मतलब जो चीज नहीं खाना चाहिए, ये खा महाराज परहेज कैसा होना चाहिए, ये उनका सहायक है। अगर डायबिटीज है आपको मेडिसिन से तो काम करेगा, ये तत्संबंधी डायरेक्ट संबंधी हो गया, लेकिन मिठाई नहीं खाना है ये उनका परहेज हो गया, ये सहायक है। तो भजन के लिए इसलिए दोनों चीज भजन में भी है, क्या है, क्या खाना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र में हमारे परमार्थ के लिए भी दो चीज़ बताए गए, एक विधि और एक निषेध। विधि मतलब हमको क्या करना चाहिए और निषेध मतलब हमको क्या नहीं करना चाहिए। जैसा दुस्संग छोड़ना चाहिए, तब तो दुस्संग में सूर्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान और सत्संग में प्रवृत्त होना चाहिए। सत्संग में प्रवृत्ति हरिकथा श्रवण आदि ये तत्संबंधी, और असत्संग की त्याग ये है तत्सहाय। लेकिन कभी कभी तत्संबंध में अच्छी तरह काम में आएगा जब तुम जो सहायक वस्तु को ग्रहण करोगे, नहीं तो नहीं। तो इसलिए ये जो पुरुषोत्तम महीना है, पुरुषोत्तम कौन है, भगवत गीता में बताया गया जस्मात् क्षरमति तोहम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मी लोक वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, कि जस्मात् क्षरमति तोहम, जो क्षर से अक्षर से अतीत है, क्षर से अतीत है, और क्षर नहीं जस्मात् क्षरः क्षरमति तोहम अक्षर से उत्तम है, ये है पुरुषोत्तम। यानी क्षर कौन है, जो जीव, जीव दो प्रकार के, एक है बद्ध जीव मायाबद्ध जीव और है मुक्त जीव जो माया से मुक्त, माया से परे, भगवान की पार्षद परिकर। ये बद्ध जीव को क्षर कहा गया क्योंकि उन्होंने अपना स्वभाव से, अपना क्रिया से च्युत है, हरि सेवा से विमुख है, इसलिए वो क्षर है, उससे वो अतीत है। और उत्तम कहाँ से, कि अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर जो कि भगवान की, जो मुक्त आत्मा है, भगवान की पार्षद है, जो लोग भगवान की सेवा में सदा आबद्ध है, निबद्ध है, स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा में जड़ित है, उनसे जो उत्तम है। ये दोनों पुरुष है, ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है। आत्मा को पुरुष इसलिए कहा जाता क्योंकि जीवात्मा का आश्रय करके रहते हैं, पूरे सेते इति पुरुष। ये दोनों पुरुष से उत्तम या श्रेष्ठ होने के कारण परमात्मा को या भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया। ये महीना में बड़ी समय की बहुत बड़ा कीमत है, मनुष्य जीवन मिला, भारत भूमि में जन्म मिला, और अभी जैसा कोरोना के समय आ गया दैववश, मुझे तो लग रहा है भगवान कृपा करके दिए, क्योंकि बोले कि तुम पेट के लिए शरीर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बिल्कुल तुमको एक घंटा भी समय नहीं मिलता भगवान की भजन करने के लिए, अभी मैं तुमको चकमा दिखाता हूँ तो समय निकल जाएगा अपने आप, तो बैठ करके भजन करो। लेकिन हमारे आदत ऐसा है तब भी हमारे समय भजन में नहीं जाता, बैठ बैठ कर सोचते क्यों बंद हो गया, अरे भगवान ने बंद किया कि भजन करो, तो भजन करने की वजह से हम उल्टा सोचते क्यों बंद हो गया। लेकिन बंद तो इतना दिन नहीं होना चाहिए कि जो नौकरी चाकरी चले जाए, लोगों को बड़ा असुविधा हो जाए, लेकिन फिर भी भगवान की भजन करना चाहिए, इस समय सुयोग मिला है। तो बात यह है कि समय की बहुत बड़ा कीमत है, मनुष्य जीवन में भारत भूमि में जन्म मिला, तो इसलिए जो महीना में चंद्र मास और सूरज मास में दोनों को मेल करने के लिए 32 महीना में एक महीना छोड़ना पड़ता है, मतलब 2 साल 8 महीना में एक महीना को छोड़ना पड़ता है तब मेल होता है। इसी महीना को स्मार्त अधिकार और रुचि के अनुसार दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं स्मार्त और एक होते हैं परमार्थ। स्मार्त जो लोग काम्य कर्म में जिनका आसक्ति है विशेष करके, ये लोग स्मार्त है, तो ये लोग अपना जो कुछ समय को 12 महीना को ही व्यवहार करते हैं। ये जो बच जाता है ये सारी महीना का सब दिन का मल सोच करके ये लोग उसको मलिमलुच चोर या मलिनता, मतलब सबका मलिनता इकट्ठा हुआ है इसलिए मल मास बोल करके ये लोग छोड़ दिए।
लेकिन पारमार्थिक लोगों के लिए आचार्य लोगों ने ये बताया कि भाई समय कभी जीवन का हर पल हर क्षण बड़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता। इसलिए जो लोग भाव दशा में आ जाते हैं उनका एक लक्षण है अव्यर्थ काल, तुम उनका एक समय भी वो व्यर्थ में जाना नहीं देते, तो इसलिए एक महीना को लोग नहीं छोड़ते हमारे पारमार्थिक भक्त लोग, इसलिए एक महीना की हर क्षण को व्यवहार करते हैं। और भगवान ने उन्होंने मणिमृच बोलकर मलमास ने भगवान के पास गए और भगवान के बड़ी कृपा करके उनको अपना लिए, अपना नामकरण किए और उसी मास को सारी मासों का अधिपति भी बनाए। और ये मास में जो जितना भजन करेंगे उनका ज़्यादा फल होती है। जिस प्रकार समय के अनुसार 12 महीना में वैशाख महीना, माघ महीना और कार्तिक महीना में बड़ा पुण्य माना जाता है, परमार्थ के लिए भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, तो कहते तीनों महीना से भी श्रेष्ठ है जो कि पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम महीना आया, जगन्नाथ जी स्वयं बोले कि जैसा कि राजा देवानम सर्वदेवानम राजा श्री पुरुषोत्तम, क्षेत्राणम सर्व क्षेत्राणम राजा श्री पुरुषोत्तम, कि सब राजाओं में जैसा सब देवताओं में जो श्रेष्ठ है वो पुरुषोत्तम है, सब क्षेत्रों में जो श्रेष्ठ है पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र है। श्री मतलब श्रेष्ठ, सारी क्षेत्रों में श्रेष्ठ होने के कारण उनका नाम श्री क्षेत्र है। और हमारे वैष्णव आचार्य लोग कहते राधारणी के भाव के द्वारा विभावित होकर के कृष्ण ऐसी स्वरूप जहाँ पर लिए, इसलिए उसका नाम भी श्री मतलब राधारणी की क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र जैसा सारी क्षेत्रों में श्रेष्ठ है जगन्नाथपुरी, विप्रलंब क्षेत्र, संभोग से विप्रलंब की बड़ा महिमा है, तो उसी प्रकार सारी महीना से ये श्रेष्ठ महीना है पुरुषोत्तम महीना। इसी महीना को अगर कोई कोई सब भक्त लोग सही रूप से वैष्णव संघ साधु संघ से बिताए श्रवण कीर्तन स्तव स्तुति में, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम में, और तो बहुत ज़्यादा पारमार्थिक लाभ होता है। तो मैं जब इसलिए तो सब लोग पुरुषोत्तम महीना है, और इतना दिन के बाद महाराज जी आए हैं, गुरुदेव आए हैं, तो कौन छोड़ करके रहेगा। इसलिए बिना निमंत्रण से भी विदाउट इन्वाइटेशन खबर कहाँ से भी मिल गया, सब आके पहुँच गया। किसको तो पता ही नहीं था कि महाराज जी खुद बोले थे ना इतना लोग नहीं आएंगे, हम तो पूरी से बोले थे महाराज जी पुरुषोत्तम महीना है और पुरुषोत्तम क्षेत्र में है, इसी समय यहाँ से छोड़ करके जाना हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता, महाराज जी और सब के साथ मिलेंगे, कोरोना है। महाराज जी बोले नहीं सबके साथ मिलेंगे नहीं, किसको बताएंगे नहीं, कोई नहीं आएंगे। लेकिन प्रीति तो प्रीति ही होती है और लगाव तो लगाव होती है, तो संबंध तो संबंध होती है पारमार्थिक संबंध, इसलिए तोड़ने पर भी जो नहीं तोड़ता है टूटता है वही पारमार्थिक संबंध है। तो सब भक्त लोग आए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। और हम तो भगवान के चरण में प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव के चरण में, वैष्णव के चरण में, ये पुरुषोत्तम महीना सबका सफल बने, सब लोग अच्छी तरह व्रत पालन करें, पारमार्थिक सुजोग उठाए। हरे कृष्ण वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ओम ज्ञानतिमिरां भस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ।
तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील बधैन महाराज अन्यान्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरि बोल। आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है क्योंकि अभी अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, ये 3 साल के बाद में एक बार ये पुरुषोत्तम महीना आती है और जब ये पुरुषोत्तम महीना आते ही हैं कहते जो जैसे गृह प्रवेश कोई नहीं करते हैं, साधी कोई नहीं करते हैं, इसी महीना में कोई भी शुभ काम को इसी महीना में कोई नहीं करते हैं क्योंकि अब लोग अभी श्रवण कर रहे थे। इसका नाम मल मास है। मल मतलब हर महीना से कुछ दिन बच करके कुछ दिन 3 साल में एक बार ये अधिक महीना आता है। इसलिए एक बार ये बड़ा दुखी होकर के भगवान के पास में पहुंचा, बोले प्रभु मेरे को जान से ख़त्म कर दो। बोले क्यों? बोले भाई से तब मैं आता हूँ 3 साल के बाद में, फिर मेरे को सबके सब मलमास 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 गंदा गंदा मास कहते, पर इतना नहीं फिर मैं आऊँ तो फिर इसी महीना में कोई फिर कोई शुभ काम ही नहीं करता, शादी विवाह गृह प्रवेश कोई भी शुभ काम भी नहीं करते, ये कोई जीवन है इसको, इसलिए मेरे को जहान से ख़त्म कर दो। लेकिन चूँकि उन्होंने भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान की शरण में गए, कहते जो व्यक्ति भगवान की शरण में चले जाते हैं वो अमंगल होने पर भी उसका जीवन में मंगलमय हो जाता है क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हरि भगवान है। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जैसे मेरा नाम श्री पुरुषोत्तम है, आज से तुम भी जितने मासों में तुम्हारा नाम भी श्री पुरुषोत्तम महीना होगा और यहाँ तक भी सारे मासों में जो कार्तिक महीना को जितने महीना में ये कार्तिक महीना को सर्वश्रेष्ठ महीना मानी गई है, इसलिए उसका नाम ऊर्जा व्रत है और उसी महीना की अधिष्ठात्री देवता स्वयं श्री राधा रानी। इसलिए वृंदावन में जाओ तो किसका नाम सब लेते हैं, जोर से बोलो। लेकिन कहते इसी महीना से भी ये पुरुषोत्तम महीना की ज़्यादा महत्व बताया गया, उसी महीना से भी। इसलिए भगवान ने बोले ठीक है तुमको तो साधारण लोग तुमको नेग्लेक्ट करेंगे, कोई अच्छे काम नहीं करेंगे, लेकिन मेरे जो भक्त लोग हैं तुमको बड़े आदर देंगे। बोले क्यों आदर देंगे? बोले कारण है भक्त लोग ये चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान की भक्ति करें, भक्त ये चाहते हैं। लेकिन जो भक्ति में इतने आनंद है, भक्ति में इतने रस है, हैं इतने रस भक्ति में, जैसे घड़ी को कहते ये घड़ी नहीं ये घोड़ा बन गया है, क्योंकि जब भगवान की भक्ति करे भगवान का कीर्तन करे कथा सुने पता नहीं समय कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता है। इसलिए भक्त लोग चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले और हम भगवान की भक्ति करें और भजन करें, भक्त ये चाहते हैं। इसलिए हर साल तो 12 महीना होता है लेकिन 3 साल में 1 महीना ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होने पर भक्त लोग प्रसन्न हो जाते हैं, कहते इसी महीना में हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम करेंगे, भक्ति करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे। इसलिए इसी महीना आने पर पता नहीं इस बार कोरोना की वजह से क्या गोवर्धन में इतने परिक्रमा लगती हैं, 5 किलोमीटर पहले वहाँ गाड़ी रोक दी जाती है, इतने लोग इसी महीना में परिक्रमा करते हैं। एक बार हमने परिक्रमा करने के लिए गया केवल उतर गया तो हमें चलने का जरूरत नहीं, धक्का मारते मारते हमें जहाँ पर हमने परिक्रमा किया था वहीं पर ले आए, मतलब इतने लोग भीड़ वहाँ पर होती हैं। और इसी महीना में भागवत कथा की पुराण में श्लोक आया है, इसी महीना में तो भागवत कथा की इतने महिमा बताए। बोले क्यों? कारण क्या है? बोले कारण है भागवत में भगवान की कथा है और जो भागवत है ये पुराण श्रेष्ठ है, हैं सर्ववेद इतिहासानाम सार सार समुद्रितम,
जितने वेद पुराण इतिहास का जो सार है, ये कहते ये श्रीमद् भागवत कहते तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। अगर किसको भागवत रस मिल जाए ना, उसको और किसी रस में ही रुचि नहीं रह जाती। इसलिए करुणा नहीं होता तो मैं हर साल तो दिन में दो दो कथा करता था, सवेरे 9 से लेकर के नहीं तो 10 से लेकर 1 तक, और शाम को फिर 4 से नहीं तो 3 से लेकर के 8-9 बजे तक मैं कथा करता था। दिन में दो दो भागवत कथा में करता था, हैं इतना कथा होती थी। लेकिन इस बार करुणा ने करो ना, बोले मत करो, इसलिए करो मत, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या करो, भगवान की भजन में लगाओ, भक्ति में लगाओ। इसलिए वैष्णव लोग चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले और हम क्या करें, भगवान की भक्ति करें। इसलिए इसी महीना में अगर एक माला कोई करे ना, कहते 100 माला करने का उसको फल मिलता है, इतने महिमा। इसी महीना में जितने भक्ति करोगे 100 गुना 1000 गुना करने का फल उसको ज़्यादा मिलता है। इसलिए इसी महीना में हमें ये करनी चाहिए, रोजाना हम जितने माला करते हैं माला संख्या को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो, माला संख्या को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो, और सवेरे कोशिश करो सवेरे सवेरे उठने के लिए। ऐसे नहीं रात 1-2 बजे तक टीवी देखो और वीडियो सिनेमा देखो और 9 बजे तक उठो, नहीं। इसी महीना में क्या करो, जल्दी जल्दी सो करके जल्दी जल्दी उठो और अपना स्नान करके आनी करो, तिलक लगाओ, ठाकुर का आरती उतारो और नियम करके भागवत का एक एक अध्याय को भागवत श्रवण करो। समय मिले तो मंदिर में आओ, कथा सुना, नाम संख्या थोड़ा ज़्यादा करो, तुलसी की आरती करो तुलसी की, और थोड़ी सी ज़्यादा करके इसी महीना में थोड़ी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि 1 गुना करोगे तो 100 गुना आपको ज़्यादा फल मिलेगा। इसलिए महीना की बड़ा महत्व है। दान पुण्य की तो इतने महिमा बताए, इतने दान पुण्य की महिमा बताए, 1 गुना करो तो 1000 गुना दान करने का फल मिलता है। इसलिए आप देखना धाम में जा करके देखो, वृंदावन में तो कहते हैं अभी भी ये करुणा है, लेकिन अभी भी शाम को 1000-1000 लोग चलने का रास्ता नहीं, अभी भी परिक्रमा इसी महीना में अभी भी परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन में भी परिक्रमा लगा रहे हैं। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना इसी महीना में थोड़ी सी ज़्यादा भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। बोले श्री पुरुषोत्तम महीना की। इसलिए आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, आज भक्त लोग आए हैं, आज भक्तों का दर्शन मिल रहा है, हैं भक्तों का दर्शन मिल रहा है। इसलिए भागवत में बताए, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। कहते ये श्लोकों को कौन कह रहे हैं, कहते श्री वसुदेव महाराज कह रहे हैं। बोले कब कह रहे हैं, बोले एक समय द्वारका में बहुत बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा था, जिस यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ। यज्ञ का नाम क्या था, जोर से बोलो, विश्व में शांति और सुख हो। लेकिन नियम होता है अगर कोई यज्ञ को प्रारंभ कर दो, जब तक उसकी पूर्णाहुति नहीं हो यज्ञ बीच में बंद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब यज्ञ कर रहे थे ठीक बीच में श्री नारद जी आ गए, नारद जी आ गए तो वहाँ पर स्वयं वसुदेव महाराज, देवकी, कृष्ण स्वयं, श्री दाऊ भैया और कृष्ण के 16108 पटरानियाँ हैं, ये सब के सब उपस्थित थे, साक्षात ठाकुर जी उपस्थित थे। लेकिन जब श्री नारद जी आए तब वसुदेव महाराज खड़े हो गए, बोले यज्ञ बंद कर, यज्ञ बंद कर दो, यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं। क्यों, बोले यज्ञ जिस काम के लिए कर रहे थे वो यज्ञ का फल साक्षात आ गया। बोले कौन आ गए, बोले नारद जी आ गए। सारे यज्ञ को बंद कर दिया, देखो वहाँ पर साक्षात कृष्ण है, बलदेव प्रभु, 16108 पटरानियाँ। लेकिन श्री नारद जी आने पर सारे यज्ञ ठप, बोले यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं है। यज्ञ का नाम क्या था, विश्व शांति महायज्ञ, विश्व में शांति कैसे हो। लेकिन जब नारद जी आए सारे यज्ञ बंद कर दिए, बोले क्यों, कारण है क्या, बोले कारण है
जीवन में शांति कब मिलेगी? भगवान कहते हैं तत् प्रसादात पराम शांति। शांति तभी जीवन में मिलेगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की भजन करेंगे, तभी शांति मिलेगी। हैं, कोई सोचे नहीं पैसा कमा करके शांति हो जाएगा, हैं बेटा बेटियों का जन्म दे करके शांति मिल जाएगी, शादीशुदा करके शांति मिल जाएगी। बोले नहीं, बोले नचेंद्र सब सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्ती न। हैं, अगर पैसा कमाने पर अच्छी बीवी मिलने पर शांति मिलती तो सबसे ज़्यादा स्वर्ग में देवता लोग इंद्र सुखी होते। बोले नचेंद्र सब सुखम नास्ति, स्वर्ग में इंद्र भी सुखी नहीं। न सुखम चक्रवर्ती न, चक्रवर्ती राजा भी जगत में सुखी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। कभी जो संसार की वस्तु है ये कभी जीवन में सुख नहीं देती। सुख कौन देता है? बोले सुख है मुने है एकांत जीवन, जो भगवान का चरण में अपना मन को लगा करके रखे, केवल जगत में वही सुखी है और सबके जगत में दुखी दुखी है। नहीं तो रावण को सबसे ज्यादा सुख मिलता, कारण क्या? उसको सोने का लंका उसको पास में है। अगर कोई सोचते पैसा कमाने पर सुखी हो जाएंगे, उसको पास में पूरा लंका ही सोना ही सोना ही। अगर कोई सोचे अच्छे बीबी से शादी करने पर सुंदरी सुखी हो जाएंगे, उसका पत्नी का नाम था मंदोदरी। मंदोदरी मतलब क्या? जिसका उदर मतलब कमर, जिसकी बड़ी सुंदरी है। इसलिए हनुमान जी जब उन्होंने माता सीता को ढूंढने के लिए गए, मंदोदरी को देख करके कन्फ्यूज हो गया। बोले यही तो माँ लक्ष्मी नहीं, मतलब इतने सुंदरी। बेटा कौन है? मेघनाथ, इतने प्रतापी। लेकिन शंकर जी, रावण शंकर जी को कहते हैं कदा सुखी भवामि अहम्। हे भोले बाबा, कब जीवन में मैं सुखी बनूंगा? कहते इतने बीवी तेरे पास में और सोने की लंका, इतने बच्चे सुखी नहीं? बोले सुखी नहीं। बोले क्यों? बोले राम विमुख कभी सुख नहीं पावा। गोस्वामी जी कहते हैं राम से विमुख हो करके जगत में कोई सुखी हो ही नहीं सकते हैं। राम विमुख कभी सुख नहीं पावा। कद बारी मथे है ग्रीत सिकताते बरुतेल, बिनु हरि भजन न भवत ये सिद्धांत अपेल। हैं, भले रेती को पीस पीस करके तेल निकाल दो, भले पानी को मंथन करते करते घी निकाल दो, लेकिन भगवान की भक्ति के बगैर जगत में हम सुखी बन ही नहीं सकते। इसलिए लेकिन अभी भक्ति करेंगे कैसे? भगवान की भक्ति से शांति सुख मिलेगी, लेकिन करेंगे कैसे? बोले तभी करेंगे, कहते बिनु सतसंग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सुख। जब तक जीवन में साधु संग नहीं मिलता है, संतों की कृपा नहीं हो, तो हमें भजन का बात कौन बताएगा? बताओ, भजन के बारे में हमें कौन समझाएगा? वो साधु लोग ही बताएंगे, हैं? इसलिए भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते। भक्ति तभी मिलेगी जब हमें भक्तों का संग मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जब नारद जी आ गए ना, बोले सारे यज्ञ बंद कर दो। बोले क्यों? बोले नारद जी आ गए ना, चलो हम बैठ करके हम ज्ञान की बात सुनेंगे, भजन की बात सुनेंगे। तो उन्होंने श्री नारद जी को बैठा करके चरण धोए, चरणामृत लिया। कौन? ठाकुर जी स्वयं। तब ये श्लोक को श्री वसुदेव महाराज कह रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं? बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते दुर्लभम मनुष्य जन्मम, कहते एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ तो है मानव शरीर, लेकिन दहिनाम क्षण भंगुरम। कहते कमल दल जल जीवन टलमल, जैसे कमल को पत्ते के ऊपर में पानी रखो, किसी समय में भी ये गिर सकता है। देखो करुणा में कितना लोग चले गए, हैं? इसलिए निश्वास नैव विश्वास, ये निश्वास में कोई विश्वास नहीं। कदा रुद्ध भविष्यति, हम कहते हैं ना, अरे अभी क्या मर रहे हैं, अभी भजन करेंगे और कुछ दिन भोग कर लेना, हैं? बाद में भजन कर। बोले
कहते निश्वास नहीं वह विश्वास, निश्वास में कोई विश्वास नहीं। इसलिए कहते ये जीवन कमल पत्ते के ऊपर जैसे पानी रखने पर जैसे किसी समय में गिर सकता है, ये जीवन भी वैसे ही है। लेकिन दुर्लभम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ और उसमें सबसे ज्यादा दुर्लभ किया, भगवान का दर्शन को दुर्लभ नहीं बताया, भगवान का दर्शन को दुर्लभ नहीं बताया, यहाँ पर साधु दर्शन को दुर्लभ बताया। इसलिए जिस समय भगवान श्री ध्रुव जी को दर्शन दे दिया, भगवान बोले बर मांगो, ध्रुव क्या मांगता है, भगवान सामने खड़े हैं, भगवान कहते बर मांगो, ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, बोले भक्तिर मुहुर प्रभवताम त्वयि मे प्रसंग भूया धन तमहता ममला सयाना। बोले प्रभु अगर देना तो साधु संग दो, देना तो हमें संतों का संग दो। बोले संतों का संग क्यों मांगते हो, बोले संत संग में तुम्हारी जो कथा रूपी जो मंदाकिनी की धारा उनकी मुखार बिंद से जो निकलती है, अगर उसी में अगर हम गोता लगाते रहे ना, ये मन तो अपने आप प्रभु के चरण में लग जाएगा। लेकिन आप तो आपका कथा से नहीं सुनाओगे ना, कौन सुनाएगा उनका कथा, भक्त लोग सुनाएंगे। इसलिए आपका संग हमें नहीं चाहिए, किसका संग चाहिए, कहते बिनु सत्संग विवेक ना होई। इसलिए विभीषण कहते हैं आज मोय भा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता है। इसलिए लगता है विभीषण कह रहे हैं हनुमान जी को जो पता चला कि राम के सबसे प्यारे भक्त, वो क्या कह रहे हैं, बोले हनुमंत लगता है अभी भगवत प्राप्ति में हमें कोई देर नहीं है, जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। बोले क्यों, बोले बिनु हरि कृपा बिना मिलो ही नहीं संता, लगता है भगवान की मेरे ऊपर में कोई कृपा हुई है, आज भगवान राम के सबसे प्यारे भक्त श्री हनुमान जी का दर्शन मिला। इसलिए यहाँ पर श्री वसुदेव महाराज कह रहे हैं भगवान का दर्शन से भी साधु दर्शन दुर्लभ है। आपका सबके घर में ठाकुर है कि नहीं बताओ, लड्डू गोपाल होगा, राधा कृष्ण होगा, पर यहाँ किस लिए आए हैं बताओ, यहाँ किस लिए, घर में ठाकुर है ना तो यहाँ किस लिए आए। हाँ इसलिए ठाकुर जी स्वयं कहते हैं जे में भक्ता जना पार्थ न में भक्तास्ते जना, भगवान खुद कहते हैं, कहते जो कहता है जो कहते हैं है, क्या कहते हैं, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान कहते हो मेरा भक्त, कहते वो मेरा भक्त नहीं है, कहते असली मेरा भक्त कौन है, मेरा असली भक्त वह है जो कहते हैं मैं भक्तों का भक्त हूँ, भक्तों का भक्त हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं सिद्धिर भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना, जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हैं, भगवान खुद कहते हैं वो मुझे प्राप्त करेंगे, मैं कोई गारंटी दे नहीं सकता हूँ, इतना बड़ी बात है जो भगवान को पूजा करते हैं है? लेकिन जो कहते हैं मेरे भक्ता नाम चे भक्तास्ते, जो कहता है हम तो संतों का संत है, संतों का उनका हम भक्त हैं, भक्तों का भक्त हैं, भगवान कहते वो मेरे असली भक्त हैं, मेरे असली भक्त हैं, है ना। जैसे आप लोग अभी कंठी पहने तिलक लगाए प्याज लहसुन भी नहीं खाते हो, जो खाते हो भगवान को भोग लगा कर खाते हो, हरिनाम माला करते तो किसकी संग से, साधु संग से, संत ने बताया। भगवान कभी बात करते तुम्हारे घर में, कभी बोले ठाकुर कुछ बात करते हैं, नहीं करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जब मैं किसी जीवों के ऊपर में कृपा करता हूँ, मैं लेकर के अपना भक्तों से मिला देता हूँ, मेरे संतों से मिला देता हूँ, जब संतों से जब तुम्हारी मुलाकात हो जाए क्या समझो, बेड़ा पार है, हमारी बेड़ा पार है, हमारी उद्धार होने का समय आ गया। इसलिए यहाँ श्री वसुदेव महाराज कह रहे, बोले प्रभु भगवत दर्शन से भी संतों का जो दर्शन ये दुर्लभ है। इसलिए आज तो हमारे भाग्य उदय हो गया, भगवान के प्यारे भक्त श्री नारद जी यहाँ पर आए, सारे यज्ञ बंद कर दिया, भगवान के चरण में बैठ गए और भगवान के चरण में बैठ करके प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु जीवन में शांति सुख कैसे मिलेगा जीवन में। इसलिए हम जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हो, शांति सुख, घर में शांति सुख रहे किसके लिए ना,
पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी शादी बच्चे जन्म देना किस लिए करते हो? घर में, घर में शांति सुख हो। घर में जितना हम जो कुछ करते हैं एक ही कारण है, घर में शांति सुख केवल इसी के लिए करते हैं। इसलिए इनका यही प्रश्न है जीवन में शांति सुख कैसे मिले। तब नारद जी कहते भैया ये अशांति का कारण क्या है, हम क्यों संसार में ये अशांति दुख कष्ट क्यों भोग कर रहे हैं? कहते उसका एक ही कारण है, कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार आदि दुख। जितने दुख का जो जड़ है हमने भगवान की भजन छोड़ दिया, भगवान की भक्ति करना हमने छोड़ दिया। सोचे शादी करने से आज सुख होगा, नहीं तो पैसा कमाने पर शायद सुख होगा, बच्चों को पालने पर शायद सुख होगा। भैया ये दुनियादारी चीज हमें कहीं सुख दे ही नहीं सकता है, सुख तो देगा भगवान की भक्ति से। क्यों? जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान का ही बच्चे हैं और वो हम अमृत से पुत्रा, हम अमृत के संतान हैं। केवल उनको भक्ति छोड़ने पर ही जीवन में जितने तरह का दुख कष्ट है। इसलिए क्या करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो। लेकिन ये भजन कैसे होगा? बोले जब तक सद्गुरु चरण में हमें आश्रय लेना पड़ेगा, आश्रय ले करके हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। आप बोलोगे भैया भक्ति तो बड़ा कठिन चीज है, भक्ति तो बड़ा कष्ट चीज। बोले नहीं, भगवान कहते हैं जगत में अगर सबसे कोई सरल चीज हो भगवान की भजन है, इससे सरल दुनिया में और कुछ नहीं है। हैं? इससे सरल कुछ नहीं। पैसा कमाना भी बड़ा कठिन है, झूठ बेईमानी ये भी कठिन है, कपटता करना कठिन है। भगवान कहते हैं जो सरल व्यक्ति मेरे को अच्छे लगते हैं, हैं? सरल व्यक्ति मेरे को अच्छे लगते हैं भगवान की भक्ति। इसलिए ये बंसुरी क्यों बजती है? कहते बंसुरी में दो गुण हैं। कितना गुण है? क्या क्या बताओ, बंसुरी में क्या दो गुण हैं जो भगवान और ये बजती रहती है? पहला गुण है उसका अंदर पोला है, जो बंसुरी का अंदर खाली है ये पहला गुण है। भगवान कहते मेरे पास में आओ ना, हृदय को खाली करके आओ, भर करके नहीं, काम क्रोध लोभ को सब छोड़ करके मेरे पास में आओ। दूसरा गुण है कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी वैसे बजती है। अगर हमारी अंदर में दो गुण हो जाए ना हम भी बजने लग जाएंगे। और भगवान हमें पास में, भगवान ठाकुर को पास में, हर समय हम उनको पास में। बंसुरी को कृष्ण को भी छोड़ते हैं, इसलिए राधा रानी कहती हैं अगली जीवन में तो मैं और राधा ही बन करके नहीं आऊंगी, बन करके आऊंगी तो मैं बंसुरी बन करके आऊंगी। बोले क्यों? बोले कृष्ण गोप, हम गोपी, कृष्ण के अधरामृत में हमारी अधिकार। देखो ये बंसुरी अंगूठा दिखा दिखा करके हमारी अधिकार को ये छीन रहा है। कृष्ण का अधर कितना सुंदर है, लालिमा है, लेकिन ये सारे अधर रस का यही पान कर रहा है और कृष्ण का अधर कैसे नील बन गया, कभी कमर में कभी हाथों में हैं, कभी बजाते रहते हैं, कभी बंसुरी को कृष्ण बजाते रहते हैं। इसलिए अगले जीवन में तो और ये राधा ही नहीं बन करके आऊँगी, आऊँगी तो मैं ये बंसुरी बन करके आऊँगी और कृष्ण कभी हमें छोड़ेंगे नहीं, अपना पास में कृष्ण रखा करेंगे हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं भगवान की भक्ति जगत में सबसे सरल है, इससे सरल जो दुनिया में कुछ नहीं। क्या करना है? बोले कुछ भी भक्ति के लिए कुछ नहीं करना, भक्ति के लिए कुछ नहीं करना। बोले कुछ नहीं करना, हाँ बोले करना है, जो कुछ कर रहे हो वही करो, लेकिन थोड़ी सी ये भाव को ना थोड़ा बदला दो, केवल अपना भाव को बदला दो। खुद पैसा कमाओ, अभी भी पैसा कमा रहे हो, लेकिन ये पैसा क्यों कमाए? बोले ठाकुर को सेवा के लिए। केवल भाव बदलाओ, घर में रोज झाड़ू देते हो, झाड़ू बुहार लगाते कि नहीं? लेकिन अभी हम कहाँ झाड़ू बुहार लगा रहे हैं, बट ठाकुर का दरबार। ये घर किसका है? ठाकुर का दरबार है। गोपियाँ भी, गुरुदेव कहते थे गोपियाँ भी तो घर में रहती थी, लेकिन कृष्ण का सबसे बड़े भक्त तो गोपियाँ, वो भी तो घर गृहस्थी में थी, लेकिन हाथों में जो कुछ करती थी कृष्ण सेवा मान कर करती थी। हाथों में सेवा और मुँह में नाम, हाथों में काम और मुँह में, अरे जोर से बोला नाम, इतना कर लोगे? इसलिए ऐसे नहीं, हाथ में काम
और उल्टा पुल्टा मुंह में दुनियादारी गाली गलौज करना नहीं, हाथों में जो कुछ करना, घर में झाड़ू बहार इसलिए लगाती हैं घर में कहीं धूला नहीं पड़ा हो, ठाकुर जब चलेंगे उनके चरण में कहीं धूल नहीं लग जाए, इसलिए घर में हम झाड़ू लगाते हैं, ठीक है ना। रसोई बनाती हो, बढ़िया बढ़िया रसोई बनाओ चकाचक हैं, लेकिन किसके लिए रसोई बना रहे हैं? ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हैं। बच्चों को थपथप लगा करके सुलाओ, लेकिन बच्चे किसने दिया है? बच्चा किसका है? ठाकुर ने दिया। इसलिए गोपियाँ जैसे घर में क्या करती थी, बच्चों को हाथ में थपथप लगा करके सुलाती थी, लेकिन मुंह में क्या बोलती थी? बोले गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति। इसलिए मुंह में ठाकुर का नाम करती थी और हाथ में ठाकुर जी की सेवा करती थी। भक्ति सबसे सरल है, कहते भक्तों का टॉयलेट जाना, स्नान करना, ब्रूस करना भी भक्ति है। बोले क्यों? कहते शरीर गंदा होगा तो हम ठाकुर की सेवा कैसे करेंगे? बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगे तभी तो सेवा करेंगे, हैं? इसलिए भक्तों का जो कुछ भक्त करते सबके सब ठाकुर जी की सेवा, इसलिए सब कुछ सेवा मान करे सब कुछ करो। और क्या करो, विशेष करके कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय बताया। भगवान को पता है कलयुग का जीव कोई कठोर साधन नहीं कर सकता है, इसलिए भगवान बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही परा। इसलिए भगवान ने सबसे सरल उपाय रख दिया, क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। और एक बार बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस भजन हो गया और क्या, ये कोई कठिन काम है? कोई कठिन काम नहीं। इसलिए बताए, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग द्रुतचूत उच्चैः। इसमें कह रहे हैं एवं व्रतः, जीवन में एक चीज को हम व्रत रखते हैं ना, कहते जीवन में एक चीज को ही अपना जीवन का व्रत बना दो। बोले क्या है? बोले भगवान का नाम को, भगवान का नाम को अपना जीवन में व्रत बना दो, हैं? लेकिन आप देखना, अगर दुनियादारी की बात हो ना, किसी बेटी बहू की अगर घर में बात करे, ऐ उसकी बहू ऐसे किया था, सास बहू में बड़े लड़ाई हो रही, उसको घर में आप देखना घंटा घंटा तो घर बीत जाती है। लेकिन बोलो भैया अभी पुरुष तो महीना थोड़ा माला लेकर हरिनाम करो, बोले नींद आ रही है तकिया लाओ सोएंगे। लेकिन दूसरे बात की चुगली करो ना, ओ उसमें इतना टेस्ट है, दुनिया में शायद चाट पकौड़ा में शायद इतना टेस्ट नहीं, दूसरे चुगली में इतना टेस्ट आती है। लेकिन यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, हाँ देखो एक अच्छी बात उन्होंने बताई, क्या बात बताए, आप लोग ने मिश्री खाए हो? कौन कौन मिश्री खाए, हाथ उठा तो पकड़ो, आप बताओ मिश्री मीठी ना खट्टी तक कड़ू ही है? मीठी है, लेकिन ये मिश्री भी किस किस को कड़ुआ लगता है आपको पता है? मिश्री किसको कड़ुआ लगता है? जिसको पीलिया की बीमारी हो जाए ना, है जिसको पीलिया जंडी से बीमारी हो जाए, मिश्री उसको मीठी नहीं लगती, उसको कड़ुई लगती है। हाँ कहते कोरोना वाले को कड़ुई लगती है, इसलिए मिश्री तो मीठा लेकिन कड़ुई लगती, कारण क्या, हमको जंडिस। लेकिन पहले इधर उधर कोई मेडिसिन नहीं होता था, डॉक्टर क्या करते थे, उनको बोलते थे मिश्री चूसा करो, बोले देखो मिश्री तो मीठा है लेकिन अभी तुम्हें मीठा नहीं लगेगी, अभी तुमको कड़ुई लगेगी, क्यों तुम्हें बीमारी, लेकिन मिश्री को छोड़ना नहीं, उसको चूसते रहो, चूसते चूसते धीरे धीरे तुम्हारी क्या होगा, कड़ुई पड़न चली जाएगी, और जब मिश्री मीठा लगने लग जाए ना, फिर समझना तुम्हारी बीमारी भी सही हो गई, तुम्हारी बीमारी सही हो गई। इसलिए बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगलंग मंगला नाम, कहते भगवान का जो नाम है ये मीठे से भी मीठा, इससे मीठा दुनिया में कुछ नहीं।
इसलिए हनुमान जी को देखो दिन भर क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं। और शंकर जी क्या करते हैं, बोले महामंत्र जयी चपत महिषा काशी मुक्ति है तू उपदेशा। शंकर जी पंच मुख में पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में भगवान के नाम ही जप करते और कुछ करते ही नहीं। जितने सारे देवा देवी ना भगवान के नाम जप करते हैं, हैं? इसलिए भगवान का नाम तो मीठा है लेकिन कड़ू लगी। क्यों? बीमारी। बीमारी मतलब क्या? हमारी पूर्व पूर्व जन्म का पाप है, अपराध है, इसलिए भगवान के नाम में हमें मीठा नहीं लगती है। मीठा क्या लगती है? चुगली, दूसरे की बुराई, हैं? ये दूसरा का निंदा, ये बड़ी मीठी लगती है, हैं? लेकिन क्या करना पड़ेगा? रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान का नाम अच्छे नहीं लगने पर भी जोर करके करो, जोर करके भगवान का नाम को जप करो। जितना भगवान के नाम करते जाओगे क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, धीरे धीरे हमारे हृदय रूपी दर्पण साफ होने लग जाएगी, हैं? साफ होने लग जाएगी, फिर तो इतना मीठी आएगी, इतने मीठा लगेगी जो सोच भी नहीं सकते हो। सोचोगे भैया घर का काम काज थोड़ा कब खत्म हो, थोड़ा माला लेकर के आज 1,00,000 हरिनाम करेंगे, अधिक महीना है, थोड़ा ज़्यादा सा हरिनाम करेंगे, ज़्यादा थोड़ी सी हरिनाम करेंगे, हैं? और अगर जीवन में कभी अगर हमें शांति सुख मिल सकती है भगवान का नाम से, कि दुनिया में और क्या है, कहीं भी जो कुछ कर लो, करोड़ों प्रचेष्टा कर लो शांति सुख के लिए, कभी शांति नहीं मिल सकती है जब तक प्रभु का नाम में तुम्हें टेस्ट नहीं आ जाएगी, तब तक जीवन में। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं भव महादवाग्नि निर्वापनम, संसार को उन्होंने उदाहरण दिया, ये दवा नल संसार में ये आग धधक रही है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई भाई से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ससुर से दुखी, कोई काम से दुखी, दुखी कोई मन से तन से, सब दुखी दुखी संसार में हैं। ये दुख कब खत्म होगा? बोले भव महादावाग्नि निर्वापणम, निर्वापणम मतलब क्या? जैसे कहीं आग लगी हुई, आग को बुझा लो, फिर तो आग पकड़ सकती है ना, फिर तो आग लग सकती है, हैं? जैसे हम संसार में थोड़ी दुख, थोड़ी समय के लिए सुख आ गया, फिर दुख आ गया, लेकिन कहते निर्वापन मतलब होता है अगर भगवान का नाम करोगे सारा जीवन के लिए आग ऐसे बुझ जाएगी, फिर दो बार आग लगने का कोई चांस नहीं। भगवान कहते चिरकाल के लिए तुम मेरे पास में आ जाओगे, जहाँ रोग शोक जन्म मृत्यु दुख कष्ट कुछ भी नहीं। कैसे होगा? ये हरिनाम से होगा, केवल इसी हरिनाम से होगा। इसलिए यहाँ पर कहते स्वप्रिय नाम कृत्वा जाता अनुराग, ऐसे हरिनाम करते करते जब उसमें अनुराग आ जाएगा, हैं, नाम के बगैर हम रहा नहीं जाएगा, फिर क्या होगा? बोले द्रुत चीत उच्चई, फिर तो अभी भगवान का नाम लेने के लिए कष्ट लगता है, ये माला खत्म नहीं हो रहा है, रोटी ठंडा होते जा रही है, कब ये खत्म होगी माला, ये माला खत्म नहीं हो रहा है, हैं? अभी हमें लगता है, लेकिन जब प्रभु का नाम में मीठी लगने लग जाएगी ना, बस कोशिश करोगे कब हरिनाम करे, कब नाम ले, कब हरिनाम करे, हैं? एक सेकंड भी नाम के बगैर रह ही नहीं सकते हो। अगर जीवन में ऐसे हो जाए ना, बोले तुम्हारे हृदय नाम लेते ही हृदय पिघलने लग जाएगा, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएगा, हृदय तुम्हारी द्रवीभूत होने लग जाएगी। अगर ऐसे कभी हो जाए ना, फिर इसका फल क्या है? कहते हसत्यथ, कभी कभी हंसने लग जाते, कभी कभी रोने लग जाते, कभी कभी नाचने लग जाते। बोले क्यों पागल? क्या वहाँ पागल तो हो गया, पागल ही है। किसलिए? कहते कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये जितने सारे पागल है ना, सब झूठे पागल है, लेकिन ये सच्चा पागल कौन है? जो पागल है श्री बांके बिहारी। हाँ, इसलिए आप लोग उसे, आप सब बांके बिहारी का पागल हो, इसलिए घर बार छोड़ छाड़ करके सब यहाँ पागल कर बन गए। हाँ, इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान के नाम में पागल बनना पड़ेगा, हैं? पागल तो भगवान के नाम में बनना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं हसत्यथ, कभी वो हंसना शुरू कर देते हैं। बोले हंसना क्यों शुरू करते हैं? कहते उनका हृदय में
भगवान की प्यारी प्यारी मीठी मीठी प्रभु का लीला हृदय में प्रकाश होने लग जाता है, प्रभु को देखने लग जाते हैं। तो यहाँ उदाहरण देते हैं, एक समय कृष्ण किसी गोपी के घर में मक्खन चोरी करने के लिए ठाकुर जी गए। एक गोपी पहले से ही आज बोले, कृष्ण आते तो है मक्खन तो खाते हैं, क्यों? गोपियाँ मक्खन किसके लिए बनाते हैं? कन्हैया के लिए। कृष्ण कब आएंगे मक्खन खाएंगे? उन्हीं के लिए तो बनाते हैं। लेकिन तो आते हैं एक सेकंड के लिए दर्शन, फिर कृष्ण चले जाते हैं। एक गोपी ने सोची, आज तो कन्हैया को मैं बांध करके रखूंगी और पास से बैठ करेंगे ना, खूब उनको रूप को निहारूंगी, खूब उनका रूप को मैं निहारूंगी। वो गोपी मटकी में धर दिया मक्खन और घर के कोने में चुपचाप बैठ गई। और कृष्ण चुपकी से आए, इधर देखे उधर देखे, कोई तो है नहीं। बोले कोई है ही नहीं, गए बिल्ली जैसे, बस मक्खन खाना शुरू कर दिया। वो गोपी तो देख देख कर इतने खुश हो रही थी, बस आज मेरे मक्खन बनाना सार्थकता हो गया। क्यों? आज कन्हैया ने मक्खन खा रही। जब उन्होंने मक्खन खा लिया ना, गोपी गई झट कृष्ण को पकड़ ली। बोले कहाँ जाओगे? रोज रोज मक्खन खा कर भाग जाते हो, आज तो तुमको मैं बांध करके रखूंगी। कृष्ण बोले, गोपी मैं तो सोच रहा था अपना घर में ही मक्खन खा रहा था। बोले अपना घर में? आज अब चलो तेरे मजा चखाता हूँ। कृष्ण को जोर करके पकड़ कर ले गए। बोले खंभे में हाथ रख, अभी मैं बांधती हूँ। अभी उन्होंने अपना चोटी से जो रिबन को निकाली, निकाल करके जो बांधने लग गई। भगवान का हाथ तो बड़ा कोमल, मक्खन से भी ज़्यादा कोमल है। जो बांधने लगती है ना, वो खिसक जाती है, खिसक जाती है। कृष्ण ने कहा, गोपी तुमने कभी जिंदगी में बंधी गई कि नहीं? बोले नहीं। बोले जब तक खुद बंधी नहीं जाओगे, दूसरों को बांधोगे कैसे? बोले कन्हैया तेरे को बांधना आता है। बोले और क्या? बोले सिखा दे। बोले हाथ रख, अभी तेरे को सिखाता। अभी उसने कृष्ण एक बार लपटे, दो बार लपटे, एक गांठ दो गांठ गुम गांठ अच्छी तरह से बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो अच्छे बांधना आता है, अच्छे बांधना सीख गया। बोले और क्या? तेरी बात छोड़ दे, बड़े बड़े ज्ञानी योगी मुनियों को भी अपना प्रेम में मैं बांध देती हूँ। इसलिए बोले कन्हैया खोल दे। बोले गोपी अभी तक तो मैं किसको खोलना सिखाई, मैं तो दुनिया में सबको बांधना सीखा। बस कृष्ण तो 9, 2, 11 हो गए। जब हरिनाम हम करेंगे ना, हरिनाम जब करेंगे, हृदय जब हमारे निर्मल हो जाएगा, अनर्थ से दूर हो जाएगा, क्या होगा? भगवान की मीठी मीठी प्यारी प्यारी लीला हृदय में प्रकाश होने लग जाएगा। एक दिन गोपी, एक गोपी थी जो रोज रोज शिकायत करे, रोज शिकायत करती हैं। बोले तेरे लाला तो मेरे घर में रोज मक्खन चोरी करता है। वो मैया बोले, मेरे को विश्वास नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे घर में तो 9 लाख धेनु है, मेरे घर में तो दूध दही की नदी बहती है, इसलिए मेरे को विश्वास नहीं है। मेरे को एक दिन तुम रंगे हाथों से पकड़वा दो। बोले रंगे हाथों से पकड़ा दो फिर मैं मानूंगी, नहीं तो मैं मानूंगी नहीं। बोले ठीक है, कल तेरे को दिखाऊंगी। वो गोपी ने किया कि हैं, गोपी ने मक्खन को रख करके छुप करके बैठ गई और कृष्ण जब मक्खन खाए झट पकड़ लिए। बोले तेरे मैया नहीं मानती, तू मक्खन चोरी करते हो, हैं चलो सीधा मैया को घर पास में। बोले गोपी तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे खसम का पाँव पड़ता हूँ, तेरे बिछुआ की, तेरे ननंद की, तेरे सास की छोड़ दे, और कभी मैं भविष्य में आऊँगा नहीं। बोले नहीं छोड़ूंगी, मैया मानती नहीं, चल घर में। अभी जोर करके पकड़ करके ले आई। जब लाई, इतने में नंद बाबा घर को सामने बैठे हुए थे। और नंद बाबा लगते हैं जेठ, आपको पता होगा पहले जेठ को सामने पर्दा करते थे। अभी नंद बाबा जेठ को देख करके सोचा, ये स्त्री स्त्रियों का बात है, पीछे दरवाजा से घूम करके मैं ले जाती हूँ। अभी पीछे दरवाजे से आ गई, आ करके मैया को बोले, बोले मैया जसोदे। मैया बोले सबेरे सबेरे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? बोले तू मानती नहीं ना, तेरे बेटा मक्खन चोरी करता है। उसी समय में मैया कन्हैया को घर में थपथपी लगा करके सुला रही थी। कृष्ण भगवान है ना, वो तो बहुरूप धारण कर सकते हैं, वो तो मैया उनको सुला रही थी। बोले क्या हो गया? बोले तेरे लाला घर में मक्खन चोरी कर रहा था। बोले तो मेरे लाला को अभी तक तो मैं सुला करके आई, अभी तो सो रहा था, तेरे घर में कैसे मक्खन चुराया? बोले देखो रंगे हाथ से पकड़ करके लाई हूँ। वो लाई थी, लेकिन नंद बाबा को देख करके ना, उसको सर के ऊपर में कपड़ा उन्होंने ढक दिया, ढक दिया तो कृष्ण बन गए, उसको खुद बेटा बन गए, हैं बेटा बन गए। मैया बोले तू तो अपना बेटे को लेकर के आए। बोले बेटे को कहाँ? तेरे कान्हा को लेकर के। बोले मेरे कान्हा तो अंदर में सो रहा है।
इतने में जब उसको ऊपर से कपड़ा पलाना देखा उसको बेटा, और कृष्ण तो अंदर में सो रहे थे, आंख मलते मलते आए, बोले भैया तेने देख लिया ये गोपी कितने झूठ बोलती है, मैं घर छोड़ कर कहीं जाता ही नहीं, ये झूठ मूठ का मेरे नाम पर बदनामी करती है, कल से ना सचमुच से इसको घर में चोरी करूंगा हैं। इतने में और वो गोपी तो देख करके अक्के बक्के चक्के हो गए, बोले ये क्या, अभी तो दरवाजा था कृष्ण था, कपड़ा धकते ही बदल गया कैसे, बदल गया कैसे। मैया बोले तू कहाँ से आ गया, बोले मेरे को तो तुम घर से, तुमने मेरे को घर से लेकर के आई, बोले मैं तो कान्हा को लेकर के आया था, दरवाजा के तक तो कान्हा था लेकिन भगवान खुद उसको बेटे बन गए। इतने में मैया बोले खबरदार आइंदा में कभी झूठ बोलना नहीं, बिना कारण के मेरे बच्चे को चोर बनाती हो, खबरदार ऐसा नहीं। वो गोपी इतने शर्मिंदा पड़ गई, वो वापस जा रही थी, कृष्ण दूसरे रास्ता से आ गए, बोले क्यों गोपी क्या बात है, मैंने कितने प्रार्थना की, तेरे सांस की, तेरे ननंद की, तेरे खसम की, कितना पाव पड़ा तुमने मानी नहीं, देखा आज तेरे बेटे को इतने चोर बना दिया, कभी भविष्य में मेरे को पकड़ करके लाओ ना, तेरे खसम को चोर बना दिया। गोपी बोली कन्हैया मैं और कभी आऊंगी नहीं, तेरे कभी मैं तो फेल हो गई हूँ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब हम ऐसे हरिनाम करेंगे, हृदय जब हमारे निर्मल हो जाएगा ना, हृदय में ठाकुर जी की नई नई लीला प्रकट होगा है, और उसी समय तो आनंद में डूबे रहोगे। अभी तो दुनियादारी के आनंद में बेटा बेटी नाती पोती इनके आनंद में डूबे रहते हैं, और ये केवल दुख ही दुख देने वाले संसार में, तुम्हें कोई सुख देने वाले संसार में कोई नहीं, केवल तुम्हें दुख देने वाले, लेकिन आनंद देने वाले कौन है, ठाकुर जी, और कोई देने वाले नहीं। इसी जगत में जिसको ज्यादा प्यार करोगे ना वहीं से ज्यादा दुख मिलेगा, जिसको तुम ज्यादा संसार में प्यार करते हो वही ज्यादा धोखा देगा, वही ज्यादा दुख देगा तुम्हें, लेकिन सुख देने वाले कौन है, भगवान है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, कहते भगवान की नाम जप करना, क्या करना, अभी अधिक महीना है, इसी महीने में थोड़ा संख्या को बढ़ा दो, जितने माला, देखो गुरुदेव जब माला देते हैं ना, ये माला नहीं देते हैं, ठाकुर जी दिए भगवान, क्या दिया है, हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान कलयुग में जीव को कल्याण करने के लिए नाम रूप में ठाकुर जी आए, इसलिए गुरुदेव माला नहीं दिया भगवान को दिया। गुरु जी कहते थे अगर एक दिन तुमने माला जप नहीं की तो समझो आज भगवान दिन भर भूखे रह गए, भगवान स्नान नहीं किया, भोजन नहीं किया, ठाकुर जी हैं कपड़ा नहीं बदलाया, तुम भगवान का जी भूखे रख दिए, क्यों, भगवान ये माला नहीं, ये भगवान स्वयं तुम्हारे घर में आए। एक दिन अगर तुम स्नान मत करो, कपड़ा बदलाओ और मत खाया कर रह सकते हो, नहीं। इसलिए गुरु जी कहते थे खुद भले ही एक दिन भूखे रह जाओ लेकिन माला को कभी भूखे नहीं, कभी रहने नहीं देना, गुरुदेव कहते थे। इसलिए नियम है जब तक कुछ माला नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करना, पहले भजन उसके बाद में भोजन, ऐसे नहीं जल्दी हो गया ले आओ फटाफट खा ले। गुरुदेव कहते थे जो बिना भजन किए ये खाते हैं वो राक्षस भोजन करते हैं, वो राक्षस भोजन करते हैं। इसलिए कभी ऐसे नहीं जाए बिना माला किए हुए भगवान खाना खा ले है, क्योंकि जो हम जो कुछ करते हैं शांति सुख के लिए करते हैं, इसलिए तो करते हैं ना, लेकिन तुमको शांति सुख तो भगवान का नाम से मिलेगा। जिस दुनिया को इतना प्यार करते राष्ट्र में तो धोखा देगा वो व्यक्ति, और इनको सबको छोड़ करके तुम अकेला जाना, पत्नी दरवाजा तक चलेगी, शमशान तक पति परिवार चलेगा, उसको आगे कुछ भी कोई भी चलने वाले नहीं, आगे क्या चलेगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोल का दी मेरे सदा गुरु कृपा करे आपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप ये भजन जानते हो अंतिम समय में नाम ही काम में आएगा कि दुनिया में कोई तुम्हारी काम में आने वाले नहीं। इसलिए भागवत में बताया मरने का बाद जब महाराज को सामने जीव को खड़े कर दिया जाता है, जब महाराज तुम्हें ये नहीं पूछेंगे कितने बेटे थे, कितना बेटियां थी, कहाँ कहाँ तुमने शादी करवाया, किसको पढ़ाया,
कोई प्रश्न नहीं करेगी, एक ही प्रश्न करेंगे, ये 84 लाख जन्म के बाद में तुमको जो ये देव दुर्लभ शरीर मिला था, जो काम के लिए मिला था, किस लिए मिला था? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे के पास आए थे हरि भजन को, वो केवल भजन के लिए दिया और किसी काम के लिए नहीं। हम उल्टा घर में लग पड़े, जो काम के लिए दिया था उसको रख दिया पीछे, और जो नहीं करने के लिए दिया था ना उसको पीछे लग गए। वहां केवल इतना ही प्रश्न मिलेगा, प्रश्न करेंगे कितना भजन किए हो, कितने माला तुमने जप की, समझ रहे हो? इसलिए दुनिया छूट जाए माला नहीं छूटनी चाहिए, और सबके सब तिलक करो, सबके सब तिलक लगाना, ऐसे नहीं यहाँ आए गुरुजी डांट लगाए किसी को तिलक लग रहा है, नहीं, ये तिलक का बड़ा महत्व है, तिलक का, ये तिलक रूप में भगवान शरीर में बैठे हैं, ये ललाट केशवाय नमो उदर नारायण बख्य माधव कठे गोविंद, ये 12 जगह पर तिलक लगाते हैं, ये भगवान का 12 नाम है। भगवान जैसे कर्ण का शरीर में कवच होता था, ये कवच रूप में ठाकुर जी शरीर में बैठे हुए होते हैं। जो ये तिलक लगाएगा, भूत पिशाच दानव कोई भी तुम्हारे शरीर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक सधवा स्त्री जैसे सिंदूर मांग भरी कर, मांग और चूड़ी लगा करके, मेहंदी लगा करके जब चलती है ना, दूसरे पुरुष उसके ऊपर में बुरे नज़र से नहीं देखते हैं। क्यों? पता चलता है इसको कोई रक्षा करने वाला है, इसका कोई पति है, हैं पति है। कद उसी तरह जब ये दुनिया के लिए तो ये तिलक लगा, ये मांग भरे हो, सिंदूर दुनिया पति के लिए भरे हो, कहते हाँ ऐसे, लेकिन जो असली जो पति हमारी है उनके लिए क्या तुमने धारण किया? कहते ऐसे बर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिय गोपाल जूसो जो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो। इसलिए ये तिलक मतलब है भगवान तुम्हारी कसम बन गए, पति बन गए, ठाकुर जी तुम्हारी पति बन गए तिलक, फिर तो तुमको सीधा ठाकुर के पास में जाओगे, ठीक है ना? इसलिए तिलक की बड़ी महत्व है, तिलक लगाना है। जैसे शास्त्र में बताया, जैसे घर में कोई ब्राह्मण आएगा, देखना जब तक तिलक नहीं लगाएगा ना तुमको पूजा नहीं करवाता है, हैं? कहते उसी तरह शास्त्र में बताया, अगर तिलक के बगैर अगर तुम कोई सेवा पूजा कर रहे हो, तुम्हारी सेवा पूजा निष्फल, कोई फल नहीं मिलेगा सेवा करने का। इसलिए तिलक जरूर चाहिए, इसलिए स्नान के बाद में तिलक लगा करो, ये गोपियों का चरण धूलि, इसको लगाने से पवित्र बनते हैं, ठीक है? सबके सब तिलक घर में तिलक लगाया करो, और हरिनाम करो, भजन करो, और जीवन में सुख में रहो, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। उसको घुमा दो, निताई गौर प्रेमानंदे, जोर से बोलो आनंदे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण पीछे पीछे बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, सब पीछे पीछे बोलो, ताली हो जाती है। निताई गौरंग जय निताई
Anitai, Nitai, Nitai, Gauranga. हाँ देखो, अभी अभी हम जगन्नाथपुरी, ये पुरुष महीना का नाम पुरुषोत्तम मास है ना, अभी हम पुरुषोत्तम क्षेत्र से आ रहे हैं। श्री पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ है, पुरुषोत्तम में जो उत्तम है, और वहाँ से जगन्नाथ जी का खाजा प्रसाद लेकर के आए, वहाँ प्रसिद्ध खाजा सवेरे से कुछ कुछ भक्त लोगों ने लिया है, इसलिए अभी हम देंगे, लेकिन मेरे कोई छूना नहीं, मैं ऊपर से दूंगा, ऊपर से लेना, कोई मेरे को छूना नहीं। अगर जो प्रणामी पैसा देना वो भी छू करके नहीं देना, टेबल को भी रख लेना, ठीक है। इसलिए एक लाइन करके आओ और प्रसाद लेकर के जाओ, और जीत प्रभु ने, जीत प्रभु जी कुछ है जीत, हाँ कुछ बोलना है, बोल कुछ, कुछ बोल दो प्रसाद भाई ना। अभी सभी लोग प्रसाद, दूर के लोग बाहर से आए हैं तो एक बार में पाएंगे, और जो यहाँ के लोग इंतजार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी, दो बार भी पा लेंगे, महाराज जी भी जाएंगे ऊपर। प्रार्थना है सबको, जो दर्शन हो गया ऊपर अभी कोई नहीं जाना, जो भी अभी दर्शन कर लीजिए ऊपर में, बार बार ऐसे सुबह बिना रोकने में बहुत सारे लोग आ गए थे, अभी दर्शन कर लीजिए, प्रार्थना है ऊपर में नहीं आना, ठीक है। प्रसाद है ना, लाइन करके एक तरफ से उधर से आप उधर चलना, अब मेरे कोई छुनाने में अपना ऊपर हाथ से, ठीक है, चलो इसको लगा देते हैं, वाला डोर देते हैं, वो लगा देते हैं, दूसरे के लिए चलता रहे आप लोग, चलता रहे इधर से लाइन करके बैठो, आ जा आ जा, जो लिए भी ले आ जाओ, आ जा चलते रहो, एक एक करके एक बस, एक रुक रुक के रुको रुको बस, बाहर निकल जाओ। Thank you.
बस पर परे को निकल जाओ, उधर को निकल, उधर को मत इधर निकल जाओ, बस उधर को निकल जाओ। उधर निकल जाओ, परे निकल जाओ, परे निकल जाओ, रुको अभी। रुको अभी, एक बढ़ो अभी, रुको आप, चलो अभी रुको, रुके रुको। चलो बेटा ले लो, मसाला ले लो, पर निकल जाओ, चलते रहो, एक रुक 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 एक एक चलते रहो, गाँव में भजन भजन करने के लिए बीच बीच में जाते रहे ना।
ठीक है चलो इस बार तो बन नहीं पाया क्योंकि अब किसे रखना रुक तुम्हें आगे चला दो पहले चल चलो अब चलो आगे अब आगे चलो बेटा रुको ले लो ले चलो आराम से उठ पर चलो ये चलो प्रसाद सब हो गया प्रसाद सब हो
साथ हो गया सबका, सबको मिल गया।